जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, द पार्ट बी फॉर टुडेज़ डिस्कशन इज़ एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट व्हाई इज़ अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग्स ऑफ द कुरान इम्पॉर्टेंट टू मुस्लिम्स। सो दिस पार्ट बी इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक कॉम्पाइलेशन ऑफ कुरान। सो वी नीड टू एड्रेस व्हाई। हमें लॉजिक के साथ प्रूव करना है कि कुरान की टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हम इस पैराग्राफ को देखें, यस, तो इस पैराग्राफ में मैं दोबारा उसी पैराग्राफ की तरफ आता हूँ। क्यों को हमने एड्रेस करना और वाई को एड्रेस करना, तो बेस्ट आंसर वो होता है जिसमें 3 to 4 लॉजिक्स होते हैं। तो कुरान को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट टीचेस अस हाउ टू लिव आवर लाइफ्स। हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस लेने के लिए कुरान की टीचिंग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये हमारे पर कंपल्शन है कि हम रियलाइज़ करें वट गॉड वॉन्ट फ्राम अस, वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गॉड। अगर टीचिंग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है और हमने क्या करना है। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग ऑफ कुरान हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आर फेथ, टू स्ट्रेंथन आर फेथ, और फेथ इज़ एवरीथिंग, एंटायर रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन फेथ, फेथ इज़ द फाउंडेशन, सो इसलिए भी ज़रूरी है। फोर्थ एंड लास्ट, वी कैन ईजिली गेट क्लोजर टू अल्लाह। The more we learn and understand the teachings of Quran, the more we get closer to God. So due to all these 4 reasons, we need to understand and implement the teachings of Quran. So this was the part B related to compilation. There is another part B, let's discuss that as well. You can see on your screen that part B states memorizing the Quran is no longer important because the Quran is preserved as a book. कह रहा है कुरान को अब याद करना important नहीं है क्योंकि अब तो compilation हो गई और book form में available है. Discuss whether you agree or disagree with this statement. Basically दोनों cases में अगर हम agree करें या disagree करें हमें marks मिल जाएंगे, लेकिन हमने वो narrative लेना है जो हमारा religion support करता है। तो हम ये कहेंगे कि ऑल दो कुरान इज़ स्टिल अवेलेबल, इट इज़ प्रिजर्व्ड, हमें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, बट स्टिल मेमोराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट। नाउ वी नीड टू जस्टिफाई आर आर्गुमेंट्स, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहला लॉजिक, आई मीन इफ़ वी विल नॉट मेमोराइज Quran in modern times, we won't be able to offer our worshipping rituals, we won't be able to offer salat or stuff like that. So this is the first reason. Second, I mean, it is not possible to carry Quran everywhere, every time. तो अगर हमें कहीं पर भी कुरान पढ़ना है, तो अगर हमें memorization हुई है तो we can easily recite Quran. If we are traveling, we can recite Quran in our heart. तो इसीलिए कुरान याद करना आज भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ सवाब। आई मीन कल्चर कंपेनियंस के दौर से चलता आ रहा है मेमोराइजेशन का, तो ये हमारा रिलीजियस कल्चर है। और फिर एज़ पर द प्रोफेटिक स्टेटमेंट, हर वर्ड पर 10 times सवाब मिलता है, 10 जो दराजात हैं वो बुलंद होते हैं। तो इट इज़ बेसिकली, आई मीन द मेमोराइजेशन इज़ एसोसिएटेड विद लॉट्स ऑफ सवाब, राइट। और लास्टली, अगर हम मेमोराइजेशन आज करते हैं, ऑल दो एवरी थिंग इज़ अवेलेबल, सो मेमोराइजेशन जो है क़यामत के दिन जो मेमोराइजर्स हैं, प्रॉफिट सेड एक मेमोराइजर विल मेक रिकमेंडेशंस फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स, वो शफात कर सकता है। एक ऐसा मेमोराइजर जो कुरान को मेमोराइज करे, उसके लॉफुल और अनलॉफुल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और वो भूले ना कुरान, तो दैट मेमोराइजर विल मेक रिकमेंडेशन, अल्लाह विल एम्पावर दैट मेमोराइजर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सो ड्यू टू ऑल 4 रीजंस,
it will always be important to memorize Quran up till the day of judgment. Right? Thank you.